हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे चने से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है आधा कप चना। चना को हमने 5 से 6 घंटे के लिए पानी में डालकर फूलने के लिए छोड़ दिया था। तो अब चना फूल चुका है। 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर और 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो सबसे पहले हम इसमें से पानी निकाल देंगे। तो देखिए, इसमें से हमने पानी निकाल दिया है। गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल को गर्म होने देंगे। गैस हम मीडियम ही रखेंगे। तो अब तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ ही में प्याज भी डाल देंगे। इसे मिला देंगे और प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। तो अब प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे ये चना। इसे मिला देंगे। गैस यहाँ पर फुल कर देंगे और इसे 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे। बीच बीच में चलाते हुए भूनेंगे। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे टमाटर। मिला देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अब गैस यहाँ पर मीडियम कर देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए और भून लेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो अब 6 मिनट हो चुके हैं। अब गैस बंद कर देंगे। तो अब चने की चटपटी मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।